मारुताल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित जागृति हनुमान दरबार में रविवार की रात चोरों ने धावा बोला और मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ने के बाद मंदिर से दान पेटी उठाकर मंदिर के पीछे ले गए। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़ा और पेटी में रखी दान की राशि पर हाथ साफ कर दिया। शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह पुलिस की नाक के नीचे भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मारुताल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित जागृति हनुमान दरबार में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में मुख्य द्वार का ताला तोड़ने के बाद दान पेटी उठाई और दान पेटी मंदिर के पीछे लेकर उसमें रखी दान की राशि लेकर रफु चक्कर हो गए। सुबह मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं को चोरी की वारदात का पता चला, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया। रात्रि में श्री जागृति हनुमान दरबार में एक चोरी की वारदात हुई और हम लोग लगभग 10:30 बजे करीब मंदिर बंद करके अपने अपने घर चले गए। सुबह 7 बजे जब आकर देखा तो मंदिर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ और दान पेटी को पीछे ले जाकर चोरों ने ताला तोड़ा और मैं 40 से 50 हज़ार के बीच में अनुमानित उसको ले गए और पेटी वहीं सुरक्षित रखी रही। बाकी मंदिर में और भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे मुकुट है माता रानी का, बाजी का, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ के मंदिर का और दान पेटी उठा के पीछे ले गए, दान पेटी का ताला तोड़ा और प्लस जितनी भी रकम चिल्लर सहित करीब करीब 50-55 हज़ार के करीब थी वो सब ले गए। समिति की जो दान पेटी है हनुमान जयंती के एक सप्ताह पहले खोली जाती है, सप्ताह और साल में एक ही बार खुलती है। पुलिस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग हासिल हो सके। थाने के पास हुई चोरी की यह वारदात लोगों के लिए चर्चा का कारण भी बनी हुई है।